हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। सुबह के बजे हैं 10 और अभी मैं उठ गया हूँ। नाश्ता में ये है पुआ, ये भी पुआ खा रहा है। पुआ खा रहा है, ये नाश्ते में बना है पुआ। और ये होगी स्कूल के लिए तैयार, और इसको भी नीचे कोई लेके जाऊँगा। और आज ब्लॉग कुछ इस तरह से रहेगा। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए गाइस। तो आज मेरी स्कूटी ना ख़राब हो गई है, थोड़ा उसका ना रेस कम ज़्यादा हो गया, तो आज मैं जाऊंगा स्कूटी सर्विस कराने। और बहुत दिक्कत हो रही है, एकदम से ब्रेक भी नहीं लग रही, ये भी नहीं हो रहा है। तो आइए चलते दिखाते हैं आपको क्या कुछ होने वाला है और क्या होगा, कैसा सर्विस कराएंगे। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी मैं करता हूँ नाश्ता, अभी ये नाश्ता बनाया पुआ। तो कैसे बनाया देखते हैं, खा के ठीक बनाया है नमक में। तेरे को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या है ये? पुआ है। ये कह रहा है पुआ है। चलो आप बने रहे ब्लॉग में, मैं करता हूँ नाश्ता। यहाँ पर सिकुनिया में और स्कूटी की सर्विस कराने। इसका ना जो ये कुछ इस तरह से होता है, ये रेस बढ़ रही है इसकी, और कुछ इस तरह से शॉप है। यहाँ पर पूछते हैं अभी कितने का सर्विस कराएंगे, क्या कराएंगे, आपको दिखाते हैं। और उससे पहले यहाँ पर अभी इंडिपेंडेंट डे चल रहा है 15 अगस्त का, तो कुछ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तो वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हरदानी नगर निगम के ओर से गाड़ी में जैसे मनाया जा रहा है, तिरंगा लेके हाथ में जा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग। आ रही है ये पुलिस बस है, तो ये सब इस तरह से आजाने का पोस्टर लगाया है, इस तरह से आएगी। तो अभी ये भाई को मैंने स्कूटी सर्विस के लिए बोला है, तो ये चेक करेंगे। 200 रुपये ये लेबर चार्ज लेंगे। हाँ, कभी कभी ना ये रेस बढ़ जा रही है, ऐसे छोड़ रहा हूँ स्पीड हो जा रही है। ये ना रेस जैसे छोड़ रहा हूँ तो एकदम हो जा रहा है, अभी हो रहा है ना, क्या हो रहा होगा। और ये झटके भी दे रहा है कभी आगे को, तो क्या खराब हो रहा है इसमें, ये खराब हो रहा है क्या? चलो चेक कर दीजिए फिर। तो ये चेक करेंगे, ये इनकी दुकान है तो इस तरह से काम करेंगे ये। तो अभी दिखाते क्या। तो ये भैया कह रहे हैं यहाँ ये तार टूटी है, कितने की है? 250 रुपये की। ये बरसात से जाम हो जाती है कह रहे हैं, तो 250 रुपये लेंगे इसका। तो यहाँ से इस तरह से ये भैया मिस्त्री हैं, ये खोल रहे हैं। तो कितना, 250 रुपये का तार, कौन सा तार बोलते हैं उसको? एक्सीलेटर तार। वो बारिश की वजह से जाम होने से होता है जी। तो ये कह रहे हैं कि बारिश की वजह से जाम होने से होता है कह रहे हैं। तो अभी ये तार नहीं डली की मेरी, और उसके बाद आगे का दिखाते हैं अभी क्या क्या कुछ इसमें खराबी आई है। ये भैया खोल रहे हैं स्कूटी, फिर बताते हैं आपको। ये कौन सा बोलते हैं इसको? पिकअप गोली। पिकअप गोलियाँ, पिकअप गोलियाँ हैं। ये भाई ने चेक कर दी हैं, मगर ये सही निकली हैं, ग्रीस व्रीस कराएंगे। तो ये प्रॉब्लम ना ये एक्सीलेटर तार की वजह से हो रहा होगा, जो पिकअप नहीं आ रहा है, झटके नहीं मिले, तो ये थोड़ा खोल दिया है। बाकी तो सब ठीक है ना, बेल्ट वगैरह फसरस, और पीछे का ग्रीसिंग कर देना बढ़िया तरीके से, तो बाकी सब ठीक है घर है। एक्सीलेटर तार निकाल ही दिया है, और आगे का ना कुछ ऐसा कंडीशन हो गया है। बैटरी तो नया है, अभी नया डाला है, इसके लॉक भी ना ख़राब हो गए हैं, अभी तो चल रहा है। और कुछ इस तरह से होता है आगे का डंडा, आप देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर काफ़ी धूल धक्कड़ है, अभी भाई कपड़ा भी मारेंगे, तो सर्विस चल रही है, फिर दिखाते हैं। आप बने रहे ब्लॉग में। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं तिकोनिया पे करा रहा हूँ सर्विस, आप देखते हैं पीछे का कितना ट्रैफिक है। और 15 अगस्त भी चल रहा है, कल 15 अगस्त है या 14 अगस्त है, तो उसी वजह से ना थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, क्योंकि रैलियाँ भी निकल रही हैं लोगों की। बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको आगे का क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पर। हाँ, पिकअप थोड़ा ख़राब हो रही है, तो भैया ने पीछे का खोल दिया है। यहाँ भी थोड़ा ना झटके मार रहा है,
अच्छे से पिकअप नहीं आ रहा है, क्या पता गोली वोली ख़राब होगी वो। तो भाई ने खोल दिया है, अंदर से चेक करेंगे अभी क्या है। तो गाड़ी ठीक है, ये तो पिछली बार ही बदला था, ये तो ठीक है। तो अभी ऑयल भी इतना ख़राब हो गया था, इसको चेंज करूँगा मैं। और ये ऑयल लगभग 250 रुपये वाला डालूँगा, ज़्यादा महंगा नहीं डालूँगा। और ऑयल 250 वाला दे दो, 250 वाला। ये भैया की दुकान है, कौन सा है 250 वाला तेल? ये वाला तेल डालूँगा मैं। कौन सा कंपनी का है? मोटोकोट वाला डालूँगा। और ये तेल डालेंगे 250 रुपये में, पूरा चले जाएगा ना ये। तो फिर अभी मिलते हैं आगे को, बने रहे आप ब्लॉग में। तो अभी फाइनली सर्विस हो चुकी है, गाड़ी ओके बन चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे पीछे लोगो लगा हुआ है, तो ऑलरेडी सर्विस हो चुकी है। अभी इसका बिल कितना बना है, कुछ इस तरह से दुकान है। तो इसका बिल बना है 650 रुपये बिल बना है, डिस्काउंट करके 250 रुपये का तार लगाया, 200 रुपये सर्विस चार्ज है। आगे चलते हैं, आप बने रहे ब्लॉग में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ, जहाँ पर ये झंडा बेच रहे हैं। कल 15 अगस्त की तैयारी है और आज से ये तैयारी कर रहे हैं, झंडा वगैरह बेच रहे हैं, कुछ इस तरह से इनकी शॉप है। ये झंडा कितने का, बड़ा वाला 400 रुपये का। तो अभी मेरी स्कूटी में ये है, पिछले साल 26 जनवरी का ये है, तो ये लगाएंगे नया वाला। तो आप इसको नया लगाइए यहाँ पर। तो ये अभी मैं इतना ही लगाऊंगा, झंडा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि झंडा ना वो ख़राब हो जाता है। तो मैं देश के प्रति इतना ही लगाऊंगा। तो भाई ने ये लगा दिया है, क्योंकि गाड़ी बाहर रहती है, ज़्यादा महंगा नहीं लगाऊँ, अंदर तक लगाइए यहाँ तक। तो ये यहाँ तक लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये झंडा दिख रहा होगा आपको, कल यहाँ पर झंडा रोहण होगा सुबह, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। आज तैयारी चल रही है। तो गाइज ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मैं आपको 15 अगस्त का जो भी रहेगा यहाँ पर झंडा रोहण सारा कुछ दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।